गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की बात हम कर रहे हैं, हमने जितने भी टाइप्स का बॉन्ड पढ़े हैं पीछे, हमने एस एस ओवर हैंगिंग, एस पी ओवर हैंगिंग, पी पी ओवर हैंगिंग, डी डी ओवर हैंगिंग और फिर पी एंड डी ओवर हैंगिंग, इस तरीके से सारे ओवर हैंगिंग के बारे में बात किए थे। और उससे जो बना हुआ बॉन्ड है उस बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बारे में कंपेरिजन करेंगे कि कौन सी बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होती है, कौन सी बॉन्ड वीक होती है। तो हिंदी दोगे कंपेरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, कौन से ओवरलैपिंग कितने अच्छे, यहां से देखते हैं। कंपेरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, हम सबसे पहले कंपेरिजन करते हैं सिग्मा और पाई, उसको डेल्टा में कर लेंगे। या ऐसे देखो कि अगर मान लो हम यहाँ पर से ओवरलैपिंग की बात करें सिग्मा एंड पाई, सिग्मा एंड पाई में अच्छा, जैसे हम अगर मान लो पीपी और बीटा की बातें करते हैं, इसमें दो ओवरलैपिंग होता था, एक एक्सियम होते थे, एक नाइट्रियम या उसी को साइड वाइज कहते थे या उसे नॉन एक्सियम भी कहा जाता है। अब अगर एक्सियम ओवरलैपिंग में बात कर रहे थे तो ये जो था मेरा था आईएनए, जिस एक्सिस से आ रहा था, जिसे आईएनए मान लो हमने एक्स एक्सिस में लिया, आईएनए एक्स एक्सिस है ना। अब तेरे पास इसी से एक ओवरलैपिंग इस तरीके से आया तो ये एक्सियम ओवरलैपिंग हो गया। अब देखोगे ये निकमस हो गया, इसका ये निकमस हो गया। और अगर इसी को हम अगर आई एन एक्स एक्सिस है और हम यहां पे पी वाई ले रहे हैं, ये मेरा एक्सिस है आई एन ए, और यहां से हम इसको ओवरलैप करा रहे हैं इस तरीके से, तो इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच का डिस्टेंस कुछ होगा। मान लो इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच का डिस्टेंस ए मान लेते हैं, और इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्टेंस बी मान। अब ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ए का कम है बी से। अब अगर ए का कम है बी से, सॉरी उल्टा, ए का कम है बी से, इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियस क्या होंगे काफी कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन काफी कम हो जाएगा, तो यहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, इसे बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है कि दो ऑर्बिटल जब आपस में आकर के एक दूसरे से कंबाइंड होती है तो कितना पार्ट वो जुड़ा है, जितना पार्ट वो जुड़ेगा उसका कहा जाएगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो जो एक्सियम की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो ज्यादा है, एक्सियम का ज्यादा है किससे, नाइट्रियम से, क्या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब होता है कि आपका कितना पार्ट ओवरलैप कर रहा है, एक्सियम ज्यादा ओवरलैप कर रहा है नाइट्रस से, क्योंकि ये जो दोनों एक्सिस है ना ये दोनों काफी कमजोर जा रही, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस कम है और इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, इस कारण से यहाँ पर क्या होंगे ओवरलैपिंग कम जाएंगे और यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या होगा ज्यादा होगा। ओवरलैपिंग ज्यादा होने के कारण से बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, तो एक्सियम ज्यादा स्ट्रांग होगा, एक्सियम का ओवरलैपिंग ज्यादा होगा नाइट्रियम से। अब एक्सियम का ओवरलैपिंग नाइट्रियम से ज्यादा, तो एक्सियम से जो बॉन्ड बनते हो क्या बनते हैं सिग्मा, और नाइट्रियम से जो बनते हो क्या बनते हैं पाई, तो सिग्मा की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी पाई से, है ना। सिग्मा का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा किससे, पाई से, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा पाई से, चेक कर लेंगे इसे। अब यहां से पता चलेगा कि सर मेरा सिग्मा ज्यादा स्ट्रेंथ है पाई से। दूसरी चीज, एक और तरीका हो सकता है इस तरीके से बात करने का कि जब तुम्हारा एक्सियम ओवरलैपिंग होता है तो देखो यहां से क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके बीच में आती है,
यहां पर मैक्सिमम मोटर डेंसिटी आती है, इसके कारण से यहां पर रिपल्शन फोर्स कम जाते हैं। लेकिन जब हम नाइट्रोजन ओवरलैपिंग कर रहे होते तो नाइट्रोजन ओवरलैपिंग में देखो क्या होता है, ये न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के ऊपर से ओवरलैप करता है तो एबव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाते हैं यहां से, और ये बिलो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाता है। तो नो एनी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस, प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं होता है, इसके कारण से यहां पर जो दो न्यूक्लियस है उसके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो वैसे वैसे में ये कहोगे कमजोर पड़ जाएंगे, और जब ये कमजोर पड़ेगा तो हम कहेंगे कि सर ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है और ये क्या है तेरा पाई बॉन्ड, तो ऐसे कंडीशन में सिग्मा ज्यादा स्ट्रेंथ होगा पाई, एक ये चेक। अच्छा जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे है ना, ऑर्गेनिक में भी रेजोनेंस पढ़ा जाता है और इनऑर्गेनिक में भी रेजोनेंस होता है, जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड जब दोनों रहते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कमजोर होता है, इसके कारण से सिग्मा बॉन्ड वहां से टूट करके शिफ्ट कर जाती है। तो यहां पर देखो अगर जनरली हम अगर मल्टीपल बॉन्ड की बात करें, मल्टीपल बॉन्ड जिसमें क्या होते हैं कि डबल बॉन्ड की संख्या एक से ज्यादा होती है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होती है और पाई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा दो पाई होती है, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है। तो इस तरीके से अगर हम कंपेरिजन ऑफ स्ट्रेंथ बॉन्ड की बात करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। कॉपी के लिए इसके और भी हम पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर अगर मान लो जाए डिफरेंट सेम रहा या डिफरेंट ऑर्बिटल्स रहा तो उसके बेस पर मैपिंग की बातें करेंगे। तो हम यहां से अगर आप कॉपी करें इसके बाद हम आगे बात करते हैं, मिटाए इसको। आप लोग नोट्स बनाते जाते हो, नोट्स बनाते जाए, पूरी चीजों को कॉपी करें है ना, क्योंकि उससे कॉन्सेंट्रेशन आपकी बनी रहेगी, नहीं तो आप एक मूवी की तरह वीडियो देखोगे और छोड़ दो। चलो हम लोग देखें आगे, अगर बात करें दूसरे स्ट्रेंथ की तो पहला तो हमने क्या किया सिग्मा और पाई के बीच में बात की, दूसरा अगर कहते हैं कि अगर डिफरेंट सेंग आता है, अगर डिफरेंट सेंग है तो क्या फोर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सेंग की बात करें, फोर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सेंग की बात करते हैं। तो जैसे अगर मान लो मेरे पास एक ओवरलैपिंग मैपिंग है 2p2p का या फिर 2p3p का या 3p3p का, इस तरीके से बात करें तो 2p2p हो गया, 3p3p हो गया, इस तरीके से 4p4p हो गया। अब इसमें देखोगे 2p2p की बात करोगे तो अगर मान लो अभी हम 2px मेरे समेत x मेरे और मेरा INA भी x एक्सिस है, ऐसे कंडीशन में सबका सब सिग्मा बनाएगा। तो अगर ये सिग्मा बनाएगा तो देखो ये होगा छोटा ऑर्बिटल, जब 3px जाएगा तो इसके ऑर्बिटल और थोड़ा बड़े होंगे, नंबर आना बना दे इस तरीके से। और अगर 4px है तो और ज्यादा बड़े बनेंगे। अब तो देखो यहां पर ये दो न्यूक्लियस के बीच का, यहां पर a मान लो a1, इसका मान लो a2 और इसका मान लो a3। तो सोचो जितना बड़ा अगर ऑर्बिटल सेम लेंगे उसके ऑर्बिटल्स भी उतने बड़े हो जाएंगे, जब ऑर्बिटल उतना बड़ा हो जाएगा तो साइज जैसे बढ़ेगा
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग घटेंगे, क्योंकि यहाँ पर नजदीक रहेगा तो छोटे ऑर्बिटल रहेंगे तो सारे न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे, और जब सारे न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर ओवरलैपिंग बेहतर होगी। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ ऑर्बिटम का। अब साइज ऑफ ऑर्बिटम जो डिपेंड करते हैं और नंबर ऑफ सेम पे डिपेंड करता है, दो वहां का साइज थोड़ा छोटा है, थ्री वहां का साइज और बड़ा है, फोर वहां का साइज और बड़ा है, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा यहां पर, तो यह नंबर ऑफ ऑर्बिटम। तो यहां से तुम बॉन्ड स्ट्रेंथ पता कर सकते हो, और यहां तो पता है तुम्हें कि इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग जो होगा, वो प्रोपोर्शनल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये ओवरलैपिंग बहुत अच्छा होगा, इसके बाद ये होगा। अगर ऐसे ही पाई बॉन्ड में बात करें तो अगर सोचो दो छोटे छोटे ऑर्बिटल्स ऐसे मिल रहे हैं और एक में थोड़ा बड़ा मिल रहा है, और बड़ा मिल रहा है, तो जब ये साइज बढ़ेगा तो देखो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होंगे, बढ़ जाएगा। A1, A2, A3, ये मान लो 2PZ एक्स एक्सिस से आ रखा है, तो 2PY रखना था, ये 3PY रखना था, यहां पर से क्या रखते हैं 4PY रखना था। तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, किसका साइज बड़ा होते चल जाएगा और ओवरलैपिंग घटते चल जाएंगे। तो यहां पर भी पाई बॉन्ड की अगर बात करोगे तो 2PY, अगर पाई बॉन्ड में भी बात करें तो 2PY का ओवरलैपिंग ज्यादा है, तो ये बड़ा होगा। उसके बाद 3PY आ जाएगा, उसके बाद 3PZ है ना, ये आ जाएगा। तो ये तेरे पास एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो जितनी बड़ी साइज होगी ओवरलैपिंग उतना घटेगा। और भी अगर बात करें 2S, 2S, 3S, 3S की बात करेंगे तो ये हो गया, कॉपी करेंगे इसको, चलो अगर यहां से हम क्या करते हैं और भी चेक करना है तो तुम्हारा क्या होगा, अगर मान लो 2S 2S है, 3S 3S है, 4S 4S है। अब यहां से देख सकते हो डायरेक्ट साइज, जिसके साइज नंबर ऑफ ऑर्बिटम बड़े हैं वो उसका ज्यादा होगा। अगर ऐसा भी आ सकता है 1s के साथ 2s, 1s के साथ 3s, 1s के साथ 4s, जितना बड़ा साइज होगा जिस ओवरलैपिंग घटेगा। तो देखो 1 तो सब में सेम है, नहीं 2s 3s 4s आ रहा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग घटेंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटेगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है क्या, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का। तो ये तो समझ में आ गया। अब कहते हैं अगर सेम डिफरेंट रहे, सेम सेम रहे, अगर हम बात करते हैं अगर सेम सेम रहे और ऑर्बिटम डिफरेंट रहे, है ना, फॉर सेम सेम बट डिफरेंट ऑर्बिटम्स की बात करें, फॉर सेम सेम एंड डिफरेंट ऑर्बिटम्स की बात करें, फॉर सेम सेम एंड डिफरेंट ऑर्बिटम की बात करें, है ना। जैसे अगर हम बात करें SS का, SP का, PP का, SS ओवरलैपिंग है मान लो 2S 2S है, और यहां पर 2S 2P है, और यहां पर 2P 2P है। अगर सोचो मेरे पास INA एक्स एक्सिस है, INA एक्स एक्सिस, अब सोचो 2S 2S में क्या होगा, ये जो पार्ट तेरा ओवरलैप करेगा सर्कम बनाने, ये जो पार्ट तेरा ओवरलैप करेगा, यहां से देखोगे ये हो गया, फिर यस हो गया, और ये पी हो गया, और यहां से पी हो गया, और ये पी हो गया। अब बात आएगी कि सर किसकी ओवरलैपिंग जा रहा है, तो अगर यस ऑर्बिटम को देखो, इसमें अगर तीन एक्सिस है
तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तीनों एक्सिस पर डिवाइड होते हैं, क्योंकि एस ऑर्बिटम जो स्फेरिकल है इसमें इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिवाइड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सभी जगह डिवाइड होगा। तो इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिवाइड होगा तो हर एक्सिस पर, अगर ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है, हर एक्सिस पर वन बाई थर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब वन बाई थर्ड होगा मतलब 33.33% ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एन एक्सिस, एक एक्सिस पर कितना है 33% डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अगर वही पी ऑर्बिटन की बात करो तो इसका तो एक ही एक्सिस है, बाकी बाई जेड पे तो है नहीं, तो जो 100% इलेक्ट्रॉन होगा, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ए सिंगल एक्सिस होगा, सबके सब क्या होंगे एक ही एक्सिस पे 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। अब सोचो इसका 33.33% है, इसके इधर का पार्ट, इधर का पार्ट ओवरलैप नहीं कर रहा, इसके ओवरलैपिंग कम होगा, उसके बाद इसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होगा क्योंकि 100% इसमें आ रहा, इसमें तो और ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, होगा ना, इसमें तो और ज्यादा ओवरलैपिंग होगा क्योंकि दोनों का दोनों 100। तो पी ऑर्बिटम जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में होता है, इसमें पी ऑर्बिटम को हम डायरेक्शनल ऑर्बिटम कहते हैं, क्या कहते हैं इसका डायरेक्शनल ऑर्बिटम कहते हैं। तो ये डायरेक्शनल हो जाएगा और ये तुम्हारे पास नॉन डायरेक्शनल है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन सबका सब क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो। अब ये नॉन डायरेक्शनल होने से, नॉन डायरेक्शनल से ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्शनल का होता है। तो ये याद रखो, ऐसे भी दिख रहा है कि अगर सर ये 100% इलेक्ट्रॉन इधर ही है तो सबका सब उधर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो डायरेक्शनल का ज्यादा होगा नॉन डायरेक्शनल से, डायरेक्शनल ज्यादा होगा किससे, नॉन डायरेक्शनल से। ऐसे कंडीशन में कि मेरे पास SS ओवरलैपिंग कमजोर पड़ जाएंगे, SP उससे ज्यादा स्ट्रांग पड़ जाएगा और PP और ज्यादा स्ट्रांग पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो होगा वो PP का होगा, उसके बाद SP का होगा और सबसे कम किसका होगा, SS का ओवरलैपिंग। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आया कि जब अगर मेरे पास क्या होंगे कि डिफरेंट, अगर मेरे पास सेम से नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है बट ऑर्बिटम अगर डिफरेंट है तो वैसे कंडीशन में हम वो क्या करते हैं, इस तरीके से चेक करते हैं कि सर कौन डायरेक्शनल है और कौन नॉन डायरेक्शनल, तब ऐसा चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे क्या, पहले चेक करेंगे कि सर मेरे पास ओवरलैपिंग सिग्मा है या पाई, सिग्मा का ज्यादा होगा पाई से। दूसरा हमने कहा कि जब डिफरेंट सेम रहेंगे तो साइज चेक कर लिया जाएगा, जिसकी नंबर ऑफ ऑर्बिटम ज्यादा, मतलब ऑर्बिट ज्यादा है, सेम ज्यादा है, उसके ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ कमेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ कमेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे अगर वो भी सेम हो गया तो हम चेक करेंगे कि मेरे पास डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल। यहां तक कॉपी करें, उसके बाद एक और कंडीशन हम ऊपर रखते हैं डेल्टा बॉन्ड की। हो गया तक, नेक्स्ट बात करें हम लोग क्या कहते हैं डेल्टा बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो कंपेरिजन ऑफ, अच्छा हो गया, कंपेरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, कंपेरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, डेल्टा और पाई के बीच में मुझे क्या करना है, स्ट्रेंथ बताना। तो डेल्टा और पाई के बीच में जब स्ट्रेंथ चेक करोगे तो देखो डेल्टा बॉन्ड कहां, डी ऑर्बिटल में बनते हैं। तो अगर डी ऑर्बिटम की बात करें, तो हम यहां से लेते हैं DXY, यहां से लेते हैं, जब INA एक्स एक्सिस रखेंगे या बाई एक्स या वाई एक्सिस रखेंगे तो मेरे पास पाई बॉन्ड बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा मेरा पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो ऐसा रखते हैं, कुछ भी याद रखना नहीं, सब छोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। मतलब चीजें क्या होगा ना, ये अपने आप रिकॉर्ड होगी, इतने बार ये आएगा कि तुम्हें खुद से याद हो जाएगा। अब ये मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये ओवरलैप किया, यहां पर पाई बॉन्ड बना, यहां पर दो मूव्स क्या हुआ, ओवरलैप किया, लेकिन अगर इसको हम जेड एक्सिस से मारते, चलो यहां पर बनाना थे, अगर मेरे पास INA जेड एक्सिस होता
तो देखो ये तेरा इधर ही बनाते हैं, इधर अटेगा नहीं, अगर मेरे पास आई एन ए जेड एक्सिस होता तो देखो ये तो तेरा जेड एक्सिस हो जाता, ये एक्स, ये बाई मान, यहां पर ऑर्बिटल इस तरीके से होते, ये बाई है, ये एक्स है, ये बाई है, ये एक्स है, एक इस तरीके से होता, ये जेड एक्सिस है, अब देखो इसमें क्या होगा ना कि डेल्टा बॉन्ड में चारों को चारों ओवरलैप करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा, इसमें चारों के चारों ओवरलैप होते हैं, तो यहां पर डेल्टा बॉन्ड बनेगा। और इस डेल्टा बॉन्ड में फोर मूव, चारों के चारों मूव क्या होते हैं, मूव्स और ओवरलैप, ये चारों के चारों मूव्स ओवरलैप हो जाते हैं। और जब चारों के चारों मूव्स ओवरलैप हो जाएंगे तो फिर वैसे कंडीशन में डेल्टा बनेगा। अब सोचो तुम एक दो मूव्स ओवरलैप कर रहे हो, एक चारों मूव ओवरलैप करा रहे हो, तो जिसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, तो किसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, डेल्टा का ज्यादा होगा, है ना, किससे, पाई से। तो ऐसे कंडीशन में कि हमारा डेल्टा ज्यादा स्ट्रेंथ होगा पाई से, क्यों होगा, तो ये याद रखोगे इसमें फोर मूव होता है ओवरलैप, फोर मूव्ड ओवरलैप होते हैं, और इसमें टू मूव्ड ओवरलैप होता है, इसका दो मूव ओवरलैप होगा और उसका चार मूव ओवरलैप होगा। ऐसे कंडीशन में तुम्हारा क्या हो जाएगा कि सर डेल्टा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। तो अब ओवर ओम की बात करूँ, है ना, ओवर ओम की बात करूँ, सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग था, उसके बाद तेरे पास क्या आया, डेल्टा आया, और उसके बाद कौन आया, तेरा पाई आया। तो ये देख लेते हैं अगले सर में, तो स्टेंट ऑफ ओवरलैपिंग समझ में आ गया तुम्हारा। नेक्स्ट इसको कॉपी करो, उसके बाद हम देखते हैं जो पाई ऑर्बिटल है, मतलब पाई जो बॉन्ड बनते हैं वो तीन तरीके से बनते हैं, हमने अभी पीछे बताया पी पाई डी पाई। अब ये तीनों में ओवरलैप ज्यादा, मतलब ज्यादा स्ट्रांग कौन होता है उसके बारे में बात करें, तो कॉपी करें इसको, उसके बाद उसके बाद कंपेरिजन ऑफ पाई बॉन्ड। यहां से मेरे पास होगा पी पाई तीन तरह के बॉन्ड था, यहां से पी पाई डी पाई और उसके बाद डी पाई। पहले पी पाई की देखो इस तरह के ओवरलैप होता था, उसके बाद पी पाई डी पाई देखो, इस तरीके से होते हैं, और उसका डी पाई देख लें, यहां से अब यहां से इंटर निकलोगे डिस्टेंस देखोगे, इसका देखो और इसका देखो, अगर मान लो उसका ए वन ए टू ए थ्री, अब देखो ये तो सीधा से दिया, इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा, ये इधर की ओर मुड़ा हुआ है, जब इधर की ओर मुड़ा हुआ है तो इसके नजदीक पर जाएंगे, और ये दोनों तो अपने तरफ मुड़े हुए, इसका और नजदीक पर जाएगा, तो तुम्हारा ए थ्री है ना, ए थ्री सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ए टू होगा, उसके बाद ए वन होगा। अब ए थ्री ज्यादा है मतलब नजदीक आ रहे हैं, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें ज्यादा होगा, तो डी पाई में ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, है ना, ये क्या है तुम्हारा डी पाई बन रहा, तो डी पाई में ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, उसके बाद पी पाई में आएगा, पी पाई डी पाई आएगा, और उसके बाद कौन आएगा तेरा पी पाई आएगा, तो डी पाई को ओवरलैपिंग ज्यादा, उसके बाद पी पाई डी पाई आ जाएगी,
उसके बाद पी पाई ओवरलैप करेगा। तो इस तरीके से तुम ओवरलैपिंग चेक कर सकते हो। तो देखो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग कहाँ पर दिखा तुम्हारा, पी पाई में सबसे कम, क्योंकि इसके बीच की इंटर इंगटॉन डेंसिटी और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। यहाँ इंगटॉन न्यूक्लियस और इंगटॉन डेंसिटी के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये इधर क्रम मुड़ गया तो थोड़ा कम गया इसका, और दोनों का दोनों मूव्स एक ही तरफ घूर गया इसके आंसर और भी कम गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होंगे सर, डी पाई और उसके बाद पी पाई, ये तुम्हारे पास ओवर मैपिंग होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सारे ओवर मैपिंग के बारे में हमने बात की। अब इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम इसके बाद के क्लास में हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको कॉपी कर लें, उसके बाद बात करते हैं। हो गया, चलो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, जिसका आई एन ए जेड एक्सिस रखा हुआ है, पैमान दे रहा है 1s, 1s, 2s, 2s, 3s, 3s, 4s, 4s। दूसरा बात करो, कह रहा है 1s, 2pz, फिर 1s, 3pz, 1s, 4pz, 1s, 5pz। थर्ड में कह रहा है 2s, 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 2pz, 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 उसके बाद 2px, 2px, फिर 2py, 2py। फोर में है 2pz, 2pz, 3pz, 3pz, 4pz, 4pz, और फाइव नंबर 2s, 2pz, 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 3pz, 2pz, 4pz। इसमें अरेंज करना है, करोगे? देखो पहला क्वेश्चन में तुम्हारा क्या किया है, आई एन ए जेड एक्सिस मिला है, आई एन ए क्या मिला था, जेड एक्सिस। तो एस एस तो कोई भी एक्सिस से आ जाए सिग्मा बनाता है, ये भी सिग्मा बना रहा 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 है, सारे के सारे सिग्मा बना रहे हैं। तो यहाँ पर साइज देखो क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं साइज बढ़ता जाता है, सबसे छोटा साइज का ओवर लैपिंग सबसे ज्यादा इसका होगा, इस तरीके से अरेंज करूंगा। दूसरा में देखो क्या है, सब में 1s है और सब में pz है, तो इसकी साइज छोटा है 2pz, फिर 3pz, 4pz, 5pz, तो जिसके साइज छोटा होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इस तरीके से। अच्छा यहाँ देखो सिग्मा बना रहा है ये, अच्छा इसमें भी सबने सब क्या बनाया था, सिग्मा बनाया था, इसमें देखो ये सिग्मा बना रहा है, ये भी सिग्मा बना रहा है और ये भी सिग्मा बना रहा है, लेकिन आई एन ए जेड एक्सिस है और पी एक्स, पी एक्स, तो जेड एक्सिस ऐसा है तेरा ये, और पी एक्स इसके परपेंडिकुलर को बनाएंगे क्या बनाएगा, पाई बोन बनाएगा, तो ये तेरा पाई बोन बना देगा और ये भी तेरा क्या बनाएगा, पाई बोन बनाएगा, तो ये दोनों की एनर्जी लगभग बराबर हो जाएगी। और इसमें अगर देखो तो सिग्मा ज्यादा होता है, अब सिग्मा में कौन ज्यादा होगा, तो सर पीजेड पी वन ऑर्बिटल ज्यादा होगा, पी पी ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, उसके बाद एस पी होता है, उसके बाद एस एस होता है, एक दो तीन ये हो गया, चार बराबर पांच हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों पाई बोन बना रहा है, चार और पांच के बराबर हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो टू पी जेड, टू पी जेड ये सिग्मा बना रहा है क्योंकि आई एन ए जेड एक्सिस है, ये भी सिग्मा बना रहे और ये भी सिग्मा बना रहे, साइज इसकी छोटी है, इसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। अगर इसमें देखो तो तुम्हारे पास क्या है,
2s 2pz, ये सिग्मा बनाएगा, 2pz 2pz सिग्मा बनाएगा, 2pz 3pz सिग्मा बनाएगा और ये भी सिग्मा बनाएगा। तो सबसे पहले इसमें ज्यादा किसका होगा, PP ओवर मैपिंग ज्यादा होगा, छोटा साइज है तो पहला नंबर पे आएगा। फिर देखो ये भी सिग्मा बना रहा है और ये भी सिग्मा बना रहा है, 2pz 2pz इसमें भी है बट इसमें 4pz है, तो ये हो जाएगा SP। अच्छा PP ओवर मैपिंग ज्यादा होते हैं, PP ओवर मैपिंग ज्यादा होते हैं लेकिन साइज इसका क्या है, बड़ा है, तो इसका पहला आएगा, दूसरा, फिर इसका तीसरा और इसका चौथा नंबर। यह गया तेरा, साइज बड़ा होने के कारण से हमने एस को पहले सेलेक्ट किया उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखो मैं यहां से, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। जिसका आई एन ए जेड एक्सिस होता है, थ्री एस थ्री एस, थ्री पी एक्स थ्री पी एक्स, थ्री पी वाई थ्री पी वाई, थ्री पी जेड थ्री पी जेड, थ्री डी एक्स जेड थ्री डी एक्स जेड, थ्री डी एक्स वाई थ्री पी वाई, थ्री डी एक्स वाई थ्री डी जेड वाई, थ्री डी वाई जेड थ्री डी वाई जेड, थ्री डी वाई जेड थ्री पी वाई, इसको अरेंज करना है। तो पहले चेक करो और खुद से अरेंज करना, हम चेक कर बाद चेक कर देते हैं। बताइए क्या बनेगा तेरा, सिग्मा वन बनेगा, जेड एक्सिस है, ये पी पाई बनेंगे। यहाँ देखो जेड एक्सिस रखे हैं तो पाई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो ओवर मैपिंग हो जाएगा तेरा, है ना। देखो इंटरनिक में से जेड रखे, एक तेरे पास जेड एक्सिस ऐसा है, एक इधर से आएगा और एक पी वाई आएगा, ऐसा आएगा, ये क्या होगा तेरा, जीरो ओवर मैपिंग हो जाएगा। थ्री पी जेड सिग्मा बनाएगा, थ्री डी एक्स जेड और थ्री डी एक्स जेड, तो थ्री डी एक्स जेड आएंगे तो एक्स जेड है मतलब इस तरीके से, और जेड एक्सिस इधर है, एक्स एक्सिस इधर है, इधर से आएगा ये पाई वन बनाएगा, डी पाई वन बना देगा, ये डी पाई बना देगा, थ्री डी एक्स वाई पी वाई, थ्री डी एक्स वाई और पी वाई है, जेड एक्सिस तेरा क्या है, तो देखो यहाँ से तेरा आ रहा है ये थ्री डी एक्स वाई, ये जेड एक्सिस तेरा आई एन है और पी आई आ रहा है, क्या बन जाएगा पी पाई डी पाई, यहाँ से क्या बन जाएगा पी पाई डी पाई, थ्री डी एक्स वाई थ्री डी जेड वाई, थ्री डी एक्स वाई थ्री डी जेड वाई, ये तो ओवर मैप करेगा नहीं, जीरो ओवर मैप हो जाएगा ये, थ्री डी वाई जेड वाई जेड है और थ्री डी वाई जेड, तो क्या बनाएंगे पाई वन बनाएंगे, डी पाई बनाएगा ये, और ये थ्री डी वाई जेड और पी थ्री पी वाई, तो थ्री डी वाई जेड और थ्री पी पाई तेरा क्या बन जाएगा बाई पाई वन बन जाएगा। अब इसको तुम क्या करोगे, डी पाई पी पाई है ना, डी पाई पी पाई, अब इसको तुम अरेंज करोगे, इतना काम तो कर सकते हो, हमने इतना काम करवा दिया। तो यहां तक समझ में आ गया तेरा, ओवर मैपिंग क्या होता है, वीवीटी हमने कंप्लीट किया, इससे रिलेटेड एक और थ्योरी होगा जिसको हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।